फ्रेंड्स, आज जो है वो हम कॉर्ड बनाने जा रहे हैं। एक थिक धागा जो पर्स में और बास्केट के लिए यूज़ होता है, और एज अ ऑर्नामेंट ज्वेलरी भी आप यूज़ कर सकते हो ये कॉर्ड को। तो ये जो कॉर्ड है उसकी स्पेशलिटी ये है कि जिसको क्रोशे आर्ट नहीं आता वो लोग भी बना सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी ब्यूटीफुल कॉर्ड। उसके अकॉर्डिंग इतना सर्कुलर पोर्शन मैं कट करूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू कट दिस। ये जो कॉर्ड है वो आप अपने बच्चे को भी सिखा सकते हो। मेक अ होल इन द सेंटर। जो सेंटर है वहां पर हम होल क्रिएट करेंगे इस तरह से। सो मार्क 8 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो यहाँ पे मैंने 8 points मार्क किए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो मैं यहाँ से कट करूँगी, यहाँ तक जितना मैंने ड्रॉ किया है उतना ही कट करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। You have to use 7 different color yarns because here we have marked total 8 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. So for that, leaving first one, we need to work from this 7 points. So for that, I am using this 7 different colors. This is a cotton silk yarn. It's not a woolen. So यहाँ पे मैंने equal length की ये सारे yarn cut कर दिए हैं। We are going to secure this one side. Once again I am repeating, here I have used 7 different colors. Now I'm going to insert this slowly, just fix this all threads in different space. This way. Whatever combination you like, according you can work. अब जो है यहाँ पे मैं पहले ग्रीन कलर यहाँ पे शिफ्ट करूँगी, ओके। सो नाउ स्किप दिस टू कलर्स एंड शिफ्ट दिस ग्रीन कलर इन दिस स्पेस, ओके। Now see this one is empty. So skip these two colors and shift this parrot green color in this empty space. Again this one is empty. So skip these two colors and shift this third one in this. Similarly skip this two and shift this in this one. Skip this two and shift to this point. Again this one is empty. So ये दोनों हम skip करेंगे और ये जो तीसरा है वहाँ से हम इस तरह से यहाँ पे shift करेंगे। So ये नीचे create हो रहा है। So again this one is empty. So ये दोनों skip करके जो third है वो हम यहाँ पे current position पे shift करेंगे। सिमिलरली एक राउंड हमारा कंप्लीट हुआ क्योंकि हमने डार्क ग्रीन से स्टार्ट किया था। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और पीछे की साइड भी आपको थोड़ा मेंटेन रखना है। सो कंटिन्यू इन दिस वे। अभी इतना ही वर्क हुआ है छोटा सा। सो
कंटिन्यू, तो यहाँ पे हम इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। मैंने इतना कॉर्ड बना लिया है। हर वक्त हम नेक्स्ट यहाँ पे जो एम्प्टी है, एम्प्टी पॉइंट है, वहाँ से दो कलर्स स्किप करके तीसरा कलर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो इसी प्रोसेस को आपको कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे आप लेंथ देख सकते हो। फिनिश करने के लिए हम सारे थ्रेड को इस तरह से खींचेंगे और फिर यहाँ पे हम एक नॉट प्रिपेयर करेंगे इस तरह से। फ्रेंडशिप बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो, गार्लैंड भी यूज़ कर सकते हो, माला के लिए भी इसे बना सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स लगा के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बहुत ही ईजी है और आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस ईजी आप जरूर ये बनाओगे। और अगर आपने बनाया तो फिर आपके जो रिव्यूज़ है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और बहुत ही सिंपल है, किड्स क्राफ्ट के लिए भी बेस्ट है, बच्चों के लिए भी। सो थैंक यू सो मच।